नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर एक एक्सरसाइज करते हैं करेक्शंस पे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो भी दिखते जाएं आप उनको एक एक को पहले अटेम्प्ट कर लें। जैसे तीन इसमें क्लियर दिख रहे हैं, तीन को आप ट्राई कर लें, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करें और हम डिस्कस कर रहे होंगे। ऑल इंडिकेशंस आर दैट इलेक्शंस टू फाइव स्टेट असेंबलीज गोवा मणिपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एंड पंजाब will be held in time regardless of the rising new wave of COVID-19. साहब, इसमें जो गलती है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है और एक आर्टिकल से रिलेटेड भी है। जो आर्टिकल से रिलेटेड है वो ये है कि जो पंजाब है, पांच नदियों का समूह, इससे पहले द लगना चाहिए। बहुत लोग लगाते नहीं है, जिनको नहीं पता है कि ये ग्रुप को दिखाता है, बाकी मैं तो लगाता हूं। दूसरी जो प्रीपोजिशन वाली गलती है वो है इन टाइम नहीं होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। ऑन टाइम होता है समय पर, इन टाइम होता है समय से पहले ही। तो समय से पहले ही कहां इलेक्शन होंगे, वहां पर समय पर होंगे, इसीलिए ऑन टाइम यहां पर होना चाहिए। ये इसमें गलती थी। अगला, द थ्री मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज विजिटेड फोर स्टेट्स ओवर द पास्ट वीक्स टू एक्सेस द प्रिपेयरनेस। हाँ, इसमें वोकैबुलरी की गलती है, शब्दों का जो सूक्ष्म भेद है, जो एक जैसे से दिखते हैं बोलने में, स्पेलिंग में भी थोड़ा थोड़ा ही फर्क होता है। जो वर्ड ये लिखना चाह रहे हैं यहां पर वो है असेस। असेस का मतलब होता है आकलन करना, और जो एक्सेस लिख रखा है इन्होंने, एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच। तो पहुंच में और आकलन करने में फर्क है। ये यहां कह रहे हैं आकलन करने के लिए गए थे, तो यहां पर आपका जो सही शब्द है वो असेस होना चाहिए, फिर आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। अगला, इट्स टाइम टू विजिट मणिपुर इज एक्सपेक्टेड सून। ये गलती शायद पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस की थी। ये जो दो वर्ड होते हैं, एक इट्स और दूसरा होता है इट्स, इसका मतलब होता है इट इज। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की, इसका मतलब है इट इज, और इसका मतलब है ऑफ इट। कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम्स इज वन थिंग, बट डूइंग सो इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक इज क्वाइट अनदर। ये भी जो सिमिलर से वर्ड दिखते हैं उनके कारण जो गलती होती है वो इसमें निकल आई है, वो ये है। ये तीन वर्ड होते हैं मिलते जुलते स्पेलिंग के। एक होता है क्यू यू आई टी, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। दूसरा जो वर्ड होता है क्यू यू आई टी, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, और एक होता है क्यू यू आई ई टी, क्विट का मतलब होता है चुपचाप। तो यहां पर एकदम दूसरी, क्वाइट बिल्कुल एकदम, तो यहां पर ये आना चाहिए, ई टी नहीं टी ई होना चाहिए, तब ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए अगले, ये सेंटेंस देख लीजिए। अब अगले तीन, On the ECI's visit to UP last week, Chief Election Commissioner Sushil Chandra said that all parties want the polls to be on schedule. देखिए साहब, इसमें जो गलती है वो आपकी स्ट्रक्चर की गलती है। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो
तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट वाला भी पास्ट का हो जाता है। तो इनका जो ओरिजिनल था, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होता तो यहां होता ऑन द ईव ऑफ विजिट टू यूपी लास्ट वीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेड, यहां पे कॉमा होता, फिर इनकी जगह दो कॉमे होते इन्वर्टेड, फिर ऑन में ए बड़ा होता, All parties want the polls to be on schedule, फिर कॉमे बंद हो जाते, फुल स्टॉप लगा होता। ये था जब इनडायरेक्ट बनी, इनडायरेक्ट स्पीच इसकी बनी, तो कॉमा ये हटा दिया आपने, इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह दैट कर दिया, तो अंदर जो वांट था इसका भी वांटेड होना चाहिए। ये गलती इसमें है, ये लीजिए, इसको हमने ठीक कर दिया। अगला, ही सेड The ECI will look into the enforcement of COVID appropriate behavior in campaigning and voting. अब देखिए, इसमें भी exactly वही उसी कारण से करते हैं। जब हम passive voice, जब हम indirect speech बनाते हैं, तो हमें reported speech का tense बदल देना चाहिए। अगर reporting verb आपकी पास्ट टेंस में, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो यहां पर विल की बजाय वुड हो जाना चाहिए। ये इसमें गलती थी। अगला, वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल बी इनफोर्स, द ईसीआईज कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट ड्रॉन अप इन अगस्त 2020 अहेड ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शन विल ऑल्सो बी इन प्ले। ये सब कंडीशनल सेंटेंस की टाइप वन का है। इसमें क्या है कि दो बातें हैं, एक बात दूसरी पे आधारित है। जो जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो आएगा, फिर मेन क्लॉज आएगा। इसमें है कि वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्लेस, ये प्रेजेंट टेंस में होगा, इज इन फोर्स, फिर ये बाकी ठीक है, ये फ्यूचर में ही होगा, विल ऑल्सो बी इन प्ले, वहां पर प्रेजेंट टेंस आपका होना चाहिए। ये आपकी गलती है यहां पर। अगला, द रूल्स इंक्लूड मैंडेटरी वियरिंग ऑफ मास्क ड्यूरिंग द होल इलेक्शन प्रोसेस From campaigning to casting of votes, holding rallies in identified grounds with social distancing measures in place, and to reduce the number of people allowed in the roads. देखिए साहब, infinitive और gerund, या तो आप infinitive का use करते जाएं या gerund का use करते जाएं। यहां तो आपने लिख दिया होल्डिंग रैलीज, और यहां पर आप लिख रहे टू रिड्यूस, तो यहां भी रिड्यूसिंग होना चाहिए। या तो होता ऊपर भी टू होल्ड रैलीज और फिर यहां टू रिड्यूस हो जाता। अब यहां आप होल्डिंग लगा रहे हैं, तो यहां भी रिड्यूसिंग होगा। ये आपकी गलती इसमें थी। अगला, In the wake of second wave of the pandemic in first week of April 2021, the ECI put in place more measures such as a longer silence period before polling, reducing the time for campaigning. इसमें जो गलती है वो जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि जब ऑफ आता है, ऑफ से पहले जो फ्रेज होगा या जो भी नाउन होगा, नाउन का एडजेक्टिव भी होगा अगर होगा, तो उससे पहले उसको आपने स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक करने के लिए आपको दी का प्रयोग करना है। ये दी यहां पर नहीं था, इसलिए आपने द ये कर दिया। अब आप पूछेंगे ये द या दी क्या होता है। देखिए, जब इसके बाद में टी एच ई वाला जो वर्ड है, इसके बाद में आने वाला वर्ड वोवल से शुरू हो, पार्टिकुलरली ई से शुरू हो, तो आप इसको दी बोलते हैं, और अगर ऐसा ना हो फिर आप इसको द बोलते हैं। तो ये द फर्स्ट वीक हो जाएगा। अगला सेंटेंस, वंस द पोल्स स्केड्यूल विल बी अनाउंस्ड, द बर्डन विल बी ऑन द ईसीआई टू बी फेयर एंड सीन टू बी फेयर। ये भी वही गलती है जो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने बताई थी, वंस द पोल्स रोल इज अनाउंस्ड।
बर्डन में जैसे ही पोल शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी बन जाती है, उनका दायित्व बन जाता है कि वो फेयर भी रहे और फेयर दिखे भी। इन द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस इट्स कंडक्ट वाज क्वेश्चन्ड ऑन वेरियस वैलिड ग्राउंड्स। इसमें देखिए वही इट्स वाली गलती है, इट्स लगा दिया यहां पर, ये इट इज हो गया क्योंकि ऊपर वो है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यहां पर, ये गलती इसमें थी। अगला, द ईसीआई मस्ट टेक पॉलिटिकल पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस एंड एंश्योर ए एनवायरमेंट कंडूसिव टू ए फेयर इलेक्शन प्रोसेस दैट ऑल्सो लिमिट पब्लिक हेल्थ रिस्क। इसमें दो गलतियां साहब, एक आर्टिकल से रिलेटेड है, दूसरी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये एनवायरमेंट ऐसे शुरू हो रहा है, वोवल की साउंड है तो एन आ जाएगा, एन एनवायरमेंट, एक तो ये गलती है। दूसरी जो गलती है वो ये है, ये जो वर्ब है लिमिट, इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है, ए फेयर इलेक्शन प्रोसेस, जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो यहां प्रेजेंट टेंस में एस लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, फिर ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा, ये ए लीजिए। अब ठीक है, अब ये 12 सेंटेंस हमने आज किए हैं, और अगर ये प्रैक्टिस के लिए आपको ठीक लगे हैं तो फिर मेरा प्रयास सफल है। अब बताइएगा कमेंट्स, आपको अगर फायदा लग रहा है तो इस तरह की एक्सरसाइज हम करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।